आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप मैसेज आता है और यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज का इस तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है या फिर इस तरीके से नोटिफिकेशन आपको शो नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए। नीचे आने पर आएगा ये नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, या फिर आपके फ़ोन में आएगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के नाम से, या फिर आपके फ़ोन में आएगा नोटिफिकेशंस के नाम से। तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आएगा, तो इस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आएगा ये ऐप नोटिफिकेशन या फिर मैनेज नोटिफिकेशन, तो इस पर आप क्लिक करिए। अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आइए। नीचे आने पर आएगा कुछ इस तरीके से व्हाट्सएप, तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करिए। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद ऊपर आएगा ये शो नोटिफिकेशन या फिर अलाउ नोटिफिकेशन, तो अगर आपका ये बंद है तो इसे ऑन करिए। अब इसे ऑन करने के बाद नीचे ये जो सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये सारे नोटिफिकेशन ऑन करिए। तो इस तरीके से ये सारे नोटिफिकेशन अब ऑन करने के बाद बैक आ जाइए। अब उसके बाद आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन करिए। ओपन करने के बाद ऊपर राइट में कॉर्नर में इन तीन डॉट पे क्लिक करिए। उसके बाद सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। नीचे नोटिफिकेशंस आएगा, तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आने के बाद ऊपर राइट में कॉर्नर में इन तीन डॉट पे क्लिक करिए। तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद आएगा ये रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स, तो यहाँ पे इस रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग पे क्लिक करिए। नीचे अब रीसेट आएगा, तो आप रीसेट पे क्लिक करिए। और ये रीसेट करने से आपके फ़ोन से कोई डेटा या फिर कोई फ़ोटो वीडियो कुछ डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये रीसेट करने के बाद बैक आ जाइए। और अब बैक आने के बाद अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए, और उसके बाद अब चेक करिए आपके फ़ोन में इस तरीके से व्हाट्सएप के मैसेज का नोटिफिकेशन आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।